आखिरी सवाल, जो कि एक दिलचस्प मौजू है, आपके आपको जानने वाले आपके दोस्त अहबाब जो आपकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं, वो ये भी कहते हैं कि आप ख़ुद भी शख्सी एतबार से एक सूफ़ी ही हैं, यानी अकीदे और ये तसव्वुर और कलामी मुबाइस से हट के। तो जब वो ये कह रहे होते हैं तो क्या मुराद होती है उनकी? ये तो उनसे पूछना चाहिए, उनसे मालूम करना चाहिए। लेकिन मुझे जो एक सूफ़ी की शख्सियत है ये वैसे बहुत पसंद है। अच्छा। और मैं इसको आइडियलाइज़ करता रहा हूँ हमेशा। अच्छा। वो मुझे पसंद है, इसमें कोई शक नहीं। शख्सियत बड़ी और चीज़ होती है। शख्सियत का ताल्लुक तो असल में नज़रियात से नहीं होता। एक शख्सियत के मुख्तलिफ ट्रेड्स या उसके जो खसाइस और असाफ हैं वो हो सकता है आपको पसंद हो। यानी उलमा की शख्सियत, सियासतदानों की शख्सियत, खिलाड़ियों की शख्सियत, अदाकारों की शख्सियत। तो मुझे शख्सियत की अगर आप फहरिस्त मुरतब करें तो सहाबा कराम के दौर के बाद जो शख्सियतें पसंद हैं वो ज़्यादातर सूफिया की। ये बात इस हद तक दुरुस्त है। तो वो कौन सा पहलू है शख्सियत का जो आपको नुमाया लगता है? मेरा ख्याल ये है कि अगर मैं इस वक्त उसको बयान करूँगा आपके सवाल के जवाब में तो वो कुछ खुद सताई की सूरत बन जाएगी, क्योंकि सवाल ऐसे पस मंज़र में किया गया है। इससे हट के किसी वक्त ये सवाल होगा तो ज़रूर अर्ज़।